अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो फटाफट से बनाइए 10 मिनट में रबड़ीदार खीर। इसके लिए हम आधा कप चावल कुकर में डालकर सीटी लगा लेंगे। पैन में डालेंगे 1/4 कप चीनी और इसको धीमी गैस पे कैरमलाइज होने देंगे। इसे बस गोल्डन ही रखिएगा और ज़्यादा होने से ये कड़वी हो जाएगी। डाल दीजिए इसमें दूध। हमने 1 किलो दूध इसमें डाला है। अब इसको हम हिलाते रहेंगे जिससे चीनी और दूध मिक्स हो जाए। देखिए चीनी मिलती भी जा रही है और दूध का रंग गुलाबी भी होता जा रहा है। इससे दूध ऐसा लगेगा कि हमने दूध की रबड़ी बना दी है। अब इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें बचे हुए चावल भी डाल सकते हैं। चावल और दूध को मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए अच्छी उबाली आ गई है। अब इसमें मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स, मखाना, गोला, बादाम, किशमिश, जो भी आपके पसंद के हों, और इनको वापस से मैश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी खीर में डालकर गाढ़ापन दे देंगे। देखिए क्या रबड़ीदार डिलीशियस खीर लग रही है। रंग भी इतना ब्यूटीफुल आया है। बोल में निकाल लीजिए और मेहमानों का स्वागत जबरदस्त खीर के साथ कीजिए।